नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। और कोई लैंग्वेज तो मुझे आती नहीं, लेकिन दिल से स्वागत करना चाहूंगा आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। द वीडियो हैज बीन रिमूव्ड फॉर वॉयलेटिंग YouTube's टर्म्स ऑफ सर्विसेज। भाई साहब देखो, मतलब YouTube पे वीडियो बनाना छोड़ दे हम यार। मैं आज बात करने वाला हूँ हर्ष बेनीवाल के वीडियो के बारे में, जो उसने रिसेंटली अपने हर्ष बेनीवाल 2.0 चैनल पे डाला था, जिसमें उसका सिल्वर प्ले बटन आया था, उसका अनबॉक्सिंग का वीडियो था। वीडियो बहुत अच्छा होगा, मुझे नहीं पता, मैंने अभी वो वीडियो देखा नहीं, लेकिन मुझे ये बताया गया कि वो वीडियो हट चुकी है। जब मैंने ये देखा ना, मैंने बोला यार क्या चाहता है, ये तो वही बात होगी, आपके गाली देना छोड़ दे, ये तो वही बात होगी, पापा पापा क्या मैं गाली दे दूँ, पापा पूछे बेटा क्या गाली दोगे, पापा माँ बहन की गाली दूंगा, नहीं बेटा माँ बहन की गाली दोगे तो घर से निकाल दूंगा, पापा भाई बाप की गाली दे दूँ, हाँ बेटा तुम घर में रह सकते हो, यार मजाक चालू है क्या यहाँ पे। यार देखो, मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, बट मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका हूँ ये वीडियो हटाने के सिलसिले से। यूट्यूब बावला हो चुका है, बावली हो चुकी है यूट्यूब की, पिछवाड़ा मुझे नहीं पता भाई साहब क्या चल रहा है। पहले कैरी मिनाटी का वीडियो हटाया, फिर हर्ष बेनीवाल का वीडियो हटाया, कल को चल के हम भाई छोटे छोटे जो क्रिएटर्स हैं उनका भी वीडियो हटा देंगे अगर हमने गलती से माँ बहन की गाली दे दी तो। यार मतलब क्या चालू है मुझे नहीं पता, गाली देना अच्छी बात नहीं होती, बुरी बात है, लेकिन फिर भी यार मजाक मस्ती में दी हुई गाली गाली नहीं कहलाती। मुद्दे की बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी एक्चुअली बुरा लगा हर्ष बेनीवाल की वीडियो को लेके जो उसने यूट्यूब ने हटा दी है। पहले तो हम हर्ष बेनीवाल की स्टोरीज देखेंगे, तो फर्स्टली वी गोना टॉक अबाउट हर्ष बेनीवाल स्टोरी। मैंने उसके इंस्टाग्राम पे उसकी स्टोरीज देखी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग को भी दिखाई जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना वॉच हर स्टोरीज एंड देन हम उसकी वीडियो भी देखेंगे। तो पहले हम इंस्टाग्राम उसकी स्टोरीज देखेंगे, फिर आगे बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। और तब तक आप स्टिक टू इट, स्टिक टू दिस वीडियो, बैठो यहाँ पे, बैठ के वीडियो देखो यार। यहाँ पे लोगों की वीडियोस जा रही हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा है यार, इरिटेट हो चुका हूँ मैं। और आज मेरे जो ईयरबड्स हैं वो चार्ज हैं, तो बैठो यहीं पे, ध्यान से सुनो वीडियो, बजाओ भाई वीडियो, वीडियो बजाओ, क्या है वीडियो में बताओ। हर्ष बेनीवाल 2.0 पे मैंने एक वीडियो डाली थी, सिल्वर बटन अनबॉक्सिंग, शांति कोकुलू का सिल्वर बटन आया था और उसके अंदर प्रेजेंटेड टू कुछ लिखा हुआ था और वो ओरिजिनल था, वो यूट्यूब से ही आया था। तो मैंने अनबॉक्सिंग करते वीडियो डाली और वो आज रिमूव हो गई और ये आया मेरे पास के कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन बहुत ज़्यादा ही बज रही है। बट मेरे को समझ नहीं आया वो कम्युनिटी गाइडलाइन थी सिर्फ इस वीडियो में क्यों थी, क्योंकि मैंने गालियां तो पहले वाली वीडियोस में भी दी, बहुत तो मैं दी है यार गाली। और मैं तो उसमें एक GTA का एक वो स्ट्रीम भी कर रहा था जब मैं गलती से स्ट्रिप क्लब में चला गया था, उसके अंदर तो काफ़ी अजीब सीन आ गए थे, वो डिलीट नहीं हुई है, वो भी मेरे चैनल पे है। बट ये वाली क्यों हुई है, इसके अंदर था कि मैंने सिल्वर बटन पे गाली आ गई, उस लिए करी है या किस लिए करी है? अगर सिर्फ गाली थी रीजन तो बाकी भी कर दो सारी चीज, दीदी चैनल पे सब डिलीट करवा दो, सब कर दो, समझ नहीं आया कि कर दो सब कर रहा क्यों है। कम्युनिटी गाइडलाइन में ये क्या लिखा है कि सिल्वर बटन पे मैं कुछ भी नहीं लिखवा सकता। हाँ, सिल्वर बटन जब हमारे पास आता है तो हमारे पास ऑप्शन आता है डालने का उसमें, तो वो मैंने जानबूझ के लिखा था, क्या लिखवाया था इसने अपने सिल्वर बटन में, एंटरटेन करने के लिए ही किया था मैंने। दैट इज द क्वेश्चन व्हिच इज कमिंग इन माय माइंड, ऐसा क्या लिखा था? कुछ नहीं, कुछ गाली है, पर्टिकुलर गालीज नहीं लिखवा सकते तो चलेगा। हाँ, मैं शायद पहला था जिसने करा था ये मजाक और ये फन करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए ही करा था। तो मेरे को बताओ ना एग्जैक्टली कि ये रीजन है, तो मैं ये क्रॉप करके डाल दूंगा वो सीन। तुमने तो कुछ रीजन ही नहीं, कॉमेडी गाइडलाइन हुई है तो भाई इस हिसाब से तो वीडियो निकालो यार। जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो ना कुछ कॉमेडी गाइडलाइन ब्रेक हुई होगी किसी ना किसी की। ऐसा तो नहीं है कि सब बहुत पवित्र डालते हैं। अभी खोलूंगा भाभी ना, इतनी सारी भाभियों की वीडियो आ जाएगी और पवित्र तो कोई ना है भाई साहब, अभी पड़ी है तो कोई ना, ट्रेंड भी कर जाएगी एक दो दिन बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे को नहीं पता कि क्यों हुई है ये डिलीट। बहुत प्रेजेंटेड टू लिखा था वो मैंने खुद और शांति पब्लू के लिए था, कोई और तो था नहीं, किसी और को बोला मैंने ताकि हेट फैल रही हो किसी के लिए, हमारे लिए खुद के लिए था, तो इतनी क्या दिक्कत है भाई। और अगर इतनी दिक्कत थी तो भेजने से पहले चेक कर लेते एक बारी, मेल भी आया मेरे पास उसी नाम के, तो तब कर लेते। पर ये क्यों करी जब 2 मिलियन पॉइंट है उसके, इतना अच्छा लाइक रेशियो, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था उस पर, तो तू क्यों करी, मतलब क्यूरियोसिटी एकदम बढ़ रही है कि यार। बाकी ब्यूटीफाई अगर अपना प्ले बटन फ्लश कर दे तो वो वीडियो बहुत अच्छी जाती है, बहुत अच्छी जाती है वीडियो, बट हम हल्का सा मजाक कर दे तो भाई वो डिलीट हो जाती है। तो यार ये पॉलिसी थोड़ी बदलो यार अपनी, ये इसमें बाहर का है ना, वो फॉरेनर है ज्यादा भाई, बड़ा यूट्यूबर आदमी है वो, समझ रहे हो किसको कह रहा हूँ, समझ जाओ आप अगर देख रहे हो तो, देखिए ये भी देख रहे होगे तो प्लीज थोड़ा
एक फ्रीडम ऑफ स्पीच रहने दो, अगर मैं खुद को गाली दूं तो वो मेरी मर्जी है, किसको कह रहा है ये, या अपने किसको कह रहा है, मेरी मर्जी है, किसी को पता है तो कमेंट करके बताना ये किसको किसको पॉइंट आउट करके कह रहा है। मैं तो बस मजाक में कर रहा था, मैं फन क्रिएट कर रहा था, मुझे लोगों को हंसाना था, मैंने वो हंसा दिया लोगों को। ये मेरा ये चैनल है, ये मेरा कंटेंट नहीं है हर्ष बेनीवाल 2.0, मैं इसमें मस्ती करने आया हूँ, इसके अंदर मैं गेमिंग करूंगा, इसके अंदर मैं बिहाइंड द सीन डालूंगा, इसके अंदर मैं मस्ती डालूंगा सिर्फ अपनी, मेरा कंटेंट नहीं है। मेरा कंटेंट एक वही है हर्ष बेनीवाल है, जो शायद इतना बुरा नहीं लग रहा है जितना अगर उस पर कुछ होता तो ज़्यादा लगता, हाँ बुरा लग रहा है बट इतना नहीं लग रहा, मैं ठीक हूँ। बट है तो कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ सोच के बनाई होगी, वो कुछ टाइम लगाया होगा, टाइम इन्वेस्ट किया होगा, सोचा होगा, दिमाग लगाया होगा, मेन चैनल से वीडियो जाता तो बुरा लगता, तो वो एकदम से बिना किसी नोटिस के डिलीट होना वो गलत है। खैर ठीक है, मैं मस्ती का चैनल है मेरा, मैं कंटेंट नहीं है मेरा कोई, ये मैं इसमें मजे करता हूँ, मजाक करता हूँ। कोई जब गोल्डन बटन आएगा तो वो एक बार भेजने से पहले प्लीज देख लेना, नहीं तो मैं फिर अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाऊंगा कुछ, फिर तुम डिलीट मार दोगे, फिर मैं ये स्टोरी डालूंगा, तो ये इस इतने बड़े प्रोसेस में नहीं जाएंगे। जब भेजने वाले हो डिलीट कर देना या उसको करेक्शन करके खुद ही भेज देना, ठीक है। आपकी कंपनी है यार, तो कुछ तो देखे भी हो कि क्या आ रहा है, क्या छप रहा है, क्या नहीं हो रहा, डिलीट तो यूं कर दिया आपने एक दिन के अंदर, तो भेजने से पहले यार देख लेते, ठीक है। तो गोल्डन बटन भी आएगा, उसकी भी वीडियो आएगी, उसको भी डालूंगा, उसको भी डिलीट। एटीट्यूड देख रहे हो ओके, थैंक यू। गोल्डन प्ले बटन भी आएगा, क्या कंटेंट है यार, क्या कंटेंट है भाई, क्या ओरे भाई क्या कंटेंट है भाई यार, ये ओ ओ ओ ओ हक से आएगा भाई, बहुत जल्द आएगा, बहुत प्यार है आपको भाई साहब, ये तो व्यू देंगे इसको देखने में, ओए ओए ओए, इसको रखो, इसको सजा के रखो, ये पूरा है जी, चित्र वितर क्या बात है, इसको डालो ट्रेंडिंग वीडियो कंटेंट। मैंने मतलब जितनी भी गाली बकी वीडियो में कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे को YouTube ने गाली वाला भेज दिया, वो यार वो तो पॉलिसी के अगेंस्ट हो गया ना, YouTube तो गाली वाला सपोर्ट ही नहीं करता, इसको कैसे रहने दें, हम इसको डिलीट करते हैं, तो यार मेरे को लॉजिकल रीजन चाहिए, बना दो भाई बना दो, यही तो रह गया अभी YouTube। अगर आप कहोगे सिल्वर रूटर ने गाली लिखी थी तो वो आपकी गलती, आपने चेक नहीं किया, आपकी है वो, मैं नहीं कहूंगा, मैं तो उसको कुछ भी लिखवा दूंगा, आप थोड़ी दोगे यार, ऐसे थोड़ी इतनी बड़ी कंपनी ऐसे थोड़ी चल रही, इतने बड़े चैनल हैक हो रहे हैं, ट्रेंडिंग इतने अच्छे एंगेजमेंट के बाद आ नहीं रही, भाभियों से पूरी भीड़ सीरियसली भरा हुआ है, भाभियों के कुछ सेंस ही नहीं बनता यार, ये कोई 12 साल का बच्चा चला रहा है, कौन चला रहा है ये, मेरे को नहीं समझ आ रहा है, क्यों हो क्या रहा है ये, करो यार कुछ करो यार, अपनी मतलब मैसेज का रिप्लाई नहीं देना, टाइम पे नहीं बताना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये तो इसमें तो मजा नहीं है, अब पता नहीं है इसके बाद मैं रीच भी मार देंगे ना तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मैं हो सकता है, मतलब मैं एक्चुअली गलत है, मेरे को रोकने की ट्राई करेंगे तो हो सकता है, सुना है मैंने तो यार, पता नहीं वैसे मेरे को, हो जाए तो देखो जाए वो भी कुछ करेंगे, पहले भेज रहे थे एक बार खुद भी देख लेते, प्लीज एक बार खुद भी देख यार, ये तो इसको डिलीट करो यार, इसको डिलीट करो, ये मेरे मेल बॉक्स में क्यों है यार, इतनी बड़ी कंपनी यार कौन चला रहा है, ये मत बोलो स्टे स्ट्रॉन्ग या हम तुम्हारे साथ है, अबे मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा हूँ, मैं मजे के लिए बनाया, मेरे को बस पॉलिसी से ये दिक्कत है हुआ क्यों, कोई रीजन ही नहीं मिला मेरे को, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ भाई, मेरी मेरी मेन वीडियो बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत खुश हूँ, वजह तो हो कोई बताए तो आपको कोई चाटा मार जाए तो बिना वजह मारते तो पता तो क्यों मारा है, मेरे को दर्द भी नहीं उस चाटे से, तो इसलिए बस ये बोल रहा हूँ मैं, मारा क्यों ये बताओ, थी मैंने वो अभी IGTV पे डाल दी वीडियो जो डिलीट हो गई है, तो देख लो यार मजे लो वीडियो को, यहाँ से तो डिलीट होगी नहीं, पता नहीं जैक वैक लग गए तो हो जाएगी यार, कोई बदमाश वगैरह निकले परिवार से तो यहाँ से भी करवा देंगे, बट IGTV से तो मुश्किल है करवाना, तो IGTV पे डाल यहाँ देखो, वैलिड रीजन तो दो, लव यू गाइस, गिव द वैलिड रीजन क्यों, देखेंगे अभी हम और क्या ही करेंगे, सही है। तो भाई देखो वीडियो निकल चुकी है YouTube से, लेकिन IGTV पे भाई ने डाल दी, क्योंकि भाई जो ओनर होता है वो स्मार्ट होता है, वीडियो डालने के बाद सीधा एकदम डिलीट नहीं कर देता, वीडियो रखता है, कब कहाँ क्या पॉइंट लगाना पड़ जाए आने वाले वीडियोस में किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो भाई ने यार वीडियो अपनी बना के रखी है, उसके YouTube चैनल पे से हट चुकी है, लेकिन उसके IGTV पे पड़ी हुई है, तो द नेक्स्ट वीडियो व्हाट यू गोना वॉच इज द मेन वीडियो जो हमने मिस करी थी या आपने मिस करी थी मुझे नहीं पता, बट अभी हम वॉच करेंगे, जिस जिसने पहले भी देखी हुई थी आप ये देखें वीडियो, वॉच करें, और एक बोलते हैं ना वापस से एक समा बांधेंगे, वापस से एक एंजॉयमेंट करेंगे, एक फन मस्ती का जो एक बना हुआ है वो बरकरार रखेंगे। मैंने उसके IGTV पे उसका वीडियो सर्च कर रहा हूँ, तो IGTV पे उसके वीडियो सर्च करने के बाद हम देखते हैं कि क्या सीन्स हैं, और ये रही वीडियो IGTV पे उसके पड़ी हुई है, और हम ये वीडियो को देखेंगे,
और वीडियो को देखने के बाद हम बताएंगे कि भाई साहब वीडियो में क्या था कुछ खास और क्या इन्होंने भसूड़ी मचाई थी। तो ये वीडियो का टाइटल होने वाला है हर्ष बेनीवाल मैसेज टू यूट्यूब एंड शॉन्टी पोपलू सिल्वर अनबॉक्सिंग ऑफ सिल्वर प्ले बटन वीडियो डिलीट। यूट्यूब ने डिलीट कर दिया भाई साहब वीडियो इनकी। यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट जस्ट वॉच द वीडियो एंड गिव द रिएक्शन टू इट, क्योंकि भाई दैट इज वॉट अवर चैनल इज ऑल अबाउट। हमने अभी तक अभी सिर्फ हर्ष बेनीवाल का जो रिस्पॉन्स था, जो एक आउटकम निकल के आया आफ्टर डिलीटेड दिस वीडियो, तो उसके बाद हम देखते हैं हर्ष बेनीवाल ने वो वीडियो एक्चुअली में क्या बनाई थी। आई एम वेरी मच एक्साइटेड, आई डोंट नो ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, चेक करता हूँ मैं वीडियो क्या है। लेट्स गो गाइज, दिस वीडियो आई एम वॉचिंग ऑन हर्ष बेनीवाल्स इंस्टाग्राम विच इज देयर ऑन हिज IGTV। सो मैं यहाँ देख रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हो, और अगर आपको यहाँ नहीं देखना है तो वीडियो छोड़ के जाओ, हर्ष बेनीवाल के इंस्टाग्राम पे जाके उसके IGTV पे देख लो, ठीक है। लेट्स गो इन 3, 2, 1। डाइट डाइट थिल्वल बदन आ गया पापलो, हमारा थिल्वल बदन आ गया, तू की डल दिया मेरे नाम का है। हम करेंगे अनबॉक्सिंग, फिर करेंगे पोपलू की चड्डी की अनबॉक्सिंग। यस दे दिया, मतलब हुआ मैं कर लूंगा तेरी चड्डी की अनबॉक्सिंग। यस दीदी को मेरी चड्डी की अनबॉक्सिंग कर ली है, इस वीडियो पे 10 मिलियन लाइक कर दो फिर मैं पोपलू का दिवावे कर दूंगा। पोपलू बात 10 मिलियन लाइक अपने थिल्वल बदन की, तो देखते हैं तित का नाम लिखा हुआ है, तित मेला नाम लिखा है तुम्हें भी पता है दानवल हुए। पादल थोल दे इतको दे तूंगा कब इसके साथ थैक्ट करने का मन तो ला। अरे भैया नहीं भाई, दाई दी यूट्यूब ने मैं कोई तिथि भेजी है, इसके अंदर एक तिथि निकली है, तिथि लगता है बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है, पल इसको ध्यान दो। आई हैव डन समथिंग वेरी मातुदा, ओए इसको थोल के चल, थोल इसको थोल 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 थोल, नहीं मैं थोल पाऊंगा, तू थोल, तू थोल, मैं थोल 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 थोला था, पूरा नहीं थोल पाऊंगा, पूरा नहीं थोल पाऊंगा। हे भगवान मेरी लैत निकल रही है, मेरी पैंट में तत्ती हो गई। पोपलू तू पल मेरे से नहीं पला जाएगा, मेरा नाम तू पल लगता लगता मैं पलता हूं। और पोपलू जित का भी नाम होगा दो दे पलियो कैमरे के थंबनेल पलियो, कितना नाम लिखा है इस पे मुझे पता है, मेरा नाम ही है, तेरा नाम नहीं होगा मेरा नाम होगा, पर तो ही नहीं क्या फल पलता है, तू पल याद पल। हमें पता है किसका नाम है, तय हो गया, मेरे नाम देख के गांध फट गई, फल जोर से फल जोर से कुछ भी लिखाओ पल जोर से पल, मेरा नाम पूरी दुनिया को इस्तेमाल करती है, कोई चामला बंद नहीं होता, चामला बंद कर दे, लगना चाहिए कि थोंती का नाम थिल्वल बदन पे लिखा जाए, पल उसको पल साले पल, पल तो तू साले इस पे लिखा अपने जन जन, तू माधव तो दो पल पासी इस ले द फ्लाई बल माधव तो दो तो लिख दिया तू,
तली दिया मादल तो दो मादल तो दो मादल तो दो यूट्यूब ये तुमने अच्छा नहीं किया यलदाल होगा यलदाल हम करेंगे अब यलदार लाया मिल तो उन्होंने पोपलू का नाम लिख दिया पोपलू तो तू लग ले तेला नाम लिखा है पागल है तेरा मेला है तेला ही नाम लिखा है मेला है ही नहीं मेला है मैं फेंक रहा हूं फेंक दूंगा इसको फेंक दे मेरे को क्या करना तू तेला नाम लेता अपने पास लगे इसको मादल तो तू है घर में हो तो ले कोई मातुदा वो फेंक इसकी थपदी बना इसको अपनी गांड में डाल मिल तो दा तलना इसको लग तेला नाम है यार इंदौर यो थिल पहला थिलवल बटन गोल्डन बटन मेरा आएगा जिसके ऊपर कोई गाली नहीं होती क्या हो गया अब पैसे भी चाहिए तेल को आधे आधे थिलवल बटन दे तो लाऊं क्या चाहिए इसका नाम मैंने दस्ती लिखा हुआ इसको ले ले गाइस अभी तू जल्दी से मैंने इसका नाम दस्ती छोंदी पोपलू ये क्या बदतमीजी हुई है ना हमारे साथ इसके लिए जल्दी से प्लान निकल दो YouTube पे हल दगा फैला दो दस्ती फॉर छोंदी दस्ती फॉर पोपलू दस्ती फॉर छोंदी पोपलू तो हमारा अगला बटन है उस पे छोंदी पोपलू दोनों लिखा हो ये तो गलत बोल दिया तूने हम बच्चों को यार गलत बोला यार गलत बोल दिया तूने हम कोई टैलेंट को गाली ना दे पाए कोई मादल तोड़ हमको मादल तोड़ ना बोल पाए हम क्योंकि इतने थली पे हम किसी को गाली नहीं देते और यूट्यूब इंडिया ने हमें गाली दी है हाँ मतलब ठीक है पोपलू को मादल तोड़ बोलो तलेगा पर थिलवल बदन बता दे नील ना पैर में तो गाइस बहुत बुला हुआ है ओए मादल तोड़ो इधर आओ गाइस देख लो कितने गाइस हमको बताओ गाइस ये हेट में थैन निकल पाऊंगा ये यूट्यूब की वजह से आज हमको हेट मिल रही है मादल तोड़ कुछ बता नहीं अब जिंदगी में बैठ के क्या फिलोसफी कर लेंगे और क्या कुछ जिंदगी बतानी है तब कुछ अधूला अधूला था हो गया मतलब यूट्यूब बहुत गंदा किया तुमने यूट्यूब तुम थे एक्सपेक्ट नहीं था ये अगर यूट्यूब तुम ये देख ले हो मुझे पता है तुम फैन तो हो मेरे तुम देख ले म्यूजिक लगा दो हाँ तो अगर तुम ये देख ले हो यूट्यूब देखो वीडियो रिमूव हो चुका है We can't help it, but हाँ एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि यार ये वीडियो वापस आ सकता है बट मेरे को जहाँ पे शक लग रहा है ना भाई साहब मेरे को शक इस बात का लग रहा है कि मेरे को जो डाउट हो रहा है इस टाइम पे वो डाउट ये है कि जब उसने बोला था ना कि तो मतलब मुझे उस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब YouTube के ना अंदर से कान खुल गए मतलब कि भाई इसने मेरे को गाली दी है क्या
तो मेरे को भाई उस चीज पे एक डाउटफुल हो रहा है. तुम्हें क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकता है ये वीडियो रिमूव होने का? व्हाट डू यू थिंक कि क्या हो सकता है रीजन? तो मुझे वो कमेंट करके जरूर बताना. और अगर तुम्हें वीडियो बहुत पसंद आया है ये वाला, तो तुम देख सकते हो, बार बार देखो, मेरे चैनल पे है, मेरा रिएक्शन देखो उस पे. तुम्हें मज़ा आए तो पसंद करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि क्या पार्ट तुम्हें सबसे अच्छा लगा. और ट्रेंड हो ना हो ट्विटर पे या ये वीडियो वापस आए ना आए, लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि भाई मज़ा बहुत आया. और हाँ, एक चीज़ और, हर्ष बेनीवाल सच अ मोटिवेटेड गाय. उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो वीडियो हट चुका है या जो भी है, क्योंकि दैट इज़ नॉट हिज मेन चैनल, दैट्स जस्ट फॉर फन, जिसमें वो टाइम पास कर रहा है, शॉन्टी पोपलू का कॉन्टेंट बना रहा है, गेमिंग कर रहा है, दुनिया भर की चीज़ें, सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तो लेट्स सी, अगर वो वीडियो आएगा तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो भी भाई मतलब क्या ही कर सकते. वीडियोज़ क्या IGTV पे पड़ा है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. हर्ष बेनीवाल के इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. यार मुझे भी फॉलो कर लो, उसे भी फॉलो कर लो, और भाई फॉलो कर लो, फॉलो एक दूसरे को फॉलो कर लेंगे हैं. तुम मुझे फॉलो करना, मैं तुम्हें फॉलो कर लूंगा, एक दूसरे को फॉलो कर लेंगे. और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं इस वीडियो में, अगर आपको जीवन का थोड़ा सा भी आनंद मिला है ये वीडियो देखने के बाद, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. ये लोग मोस्टली स्टार्ट में बोल देते हैं, लेकिन मैं एंड में बोलता हूँ. अब आगे चल के एक बार थोड़ा अपना नाम बन जाएगा ना भाई साहब, मैं तुम लोगों से सब्सक्राइबर्स की भीख मांगना छोड़ दूंगा. तो इतना सब्सक्राइब कर दो चैनल को, इतना सब्सक्राइब कर दो चैनल को कि मैं आपसे भीख मांगना ही बंद कर दूँ. भीख मांगना अच्छा नहीं लगता यार, मजाक है क्या भाई? तो यार गाइस बस कर दो यार, मुझे नहीं पता. लाइक वाइक मारो अच्छा खासा यार, मचाएंगे. ठीक है, मिलते गाइस अगली वीडियो में. सी यू. और हर्ष बेनीवाल की स्टाइल में, लव यू वॉश.